Number eight, history of computer. History of computer. Computer was invented because necessity is mother of invention. men always search for a fast calculating device. First, uh, first uh, computer is abacus. Abacus was first computing device. It was developed five thousand years ago by Chinese. इट वॉज यूज टू परफॉर्म सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी सबसे पहले जब हमारे पास जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो था वो परफॉर्म कर सकता था ये एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स था जिसमें एक रैक था जिसमें हॉरिजेंटल लाइन्स थी और कुछ बीड्स थे दाने थे जिसको वो ऊपर नीचे करके उसकी काउंटिंग करके उसे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो थे वो परफॉर्म करते थे ऑल सिम्पल अरिथमेटिकलकुलेशन वर परफॉर्म बाई मूविंग द बीड्स नेक्स्ट नेपियर्स बोन जॉन नेपियर वॉज स्कॉटिश साइंटिस्ट ही इन्वेंटेड अ डिवाइस इन सिक्सटीन फोटी नोन एज नेपियर्स बोन द डिवाइस वॉज यूज रॉड्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक अरिथमेटिकलकुलेशंस ही आल्सो क्रिएटेड लॉगरिथम टेबल फॉर मेकिंग कैलकुलेशंस इजी यानी इसमें भी सिर्फ जो है वो सिंपल ये रॉड्स जो थे वो भी सिंपल अरिथमेटिक अरिथमेटिकलकुलेशन के लिए जो थे वो इस्तेमाल होते थे और ये सिक्सटीन फोटीन में जो था वो पियर्स बोन के नाम से एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था उसने जो था लॉग्रिथम टेबल की आइडिया ऑफ लॉगरिथम कहता है ये भी जो है वो लॉग्रिथम लॉगरिथम होता है एक स्कैलेटन एक वे आउट दे देना कि किस पैटर्न में जो है वो हमारे पास वर्क जो है वो हो सकता है इट वॉज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन एंडीजन यानी पहले जो थे हमारे पास जो जो अबेकस और बोन थे इसमें ज़्यादा थी वो आपके पास डिवीजन सॉरी सब, सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो थी अब इनमें जो था आपके पास स्लाइड रोल था इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो थी वो भी अरिथमेटिक अरिथमेटिकेश में से ये भी परफॉर्म हो सकते थे डिवाइस ऑफ Three parts called slide, roll, and sliding cursor. जैसे ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम में एक रूलर है जो बीच में मूव करता है साइडिंग पे भी उसके हैं और एक बीच में हमारे पास एक कर्सर है एक पॉइंट uh, है जो जो इन दोनों की को सिमिट्रिकल जो है वो शो करता है नेक्स्ट है हमारे पास पासकलाइन बली बलीस पासकल वॉज अ फ्रेंच ही इन्वेंटेड कैलकुलेटिंग मशीन इन सिक्सटीन द मशीन वॉज नॉन एज पासकलाइन द मशीन हैड मेटल व्हील्स विद डिजिट जीरोन यानी के ऊपर एक व्हील्स होते थे जिसके ऊपर वो जिसकी जिसमें जिसकी सुई जो है वो रोटेट हो सकती थी और ज़ीरो टू नाइन डिजिट्स के दरमियान इसको हम रोटेट कर सकते थे द दैलकुलेशन वॉर डन बाई रोटेटिंग द व्हील्स इट कुड एड और सब्ट्रैक्ट द होल नंबर्स वग़ैरह सिर्फ़ बग़ैर इशारे के फ्रैक्शन पॉइंट्स के बग़ैर सिर्फ होल नंबर्स की एडिशन का, का काम जो था वो इसके अंदर इनकी इन इसकी नीडल्स को मूव करके व्हील्स की इसको जो था वो कैलकुलेशन का काम हो सकता था नेक्स्ट है हमारे पास लेबनीज कैलकुलेटर वॉन लेबनीज वॉज जर्मन साइंटिस्ट इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग मशीन इन 1694 इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन अच्छा ये इससे जो मशीन बनाई थी उसके अंदर तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेशन बसानी हो सकते थे मोर रिलायबल था मोर एकूरेट रिजल्ट थे एज कम्पेयर टू पासकल the jacquard looms jacquard uh, mary from from france invented machine jacquard looms in 1801 this machine uh, could read पांच टू डिज़ाइन अ पैटर्न ऑटोमेटिकली और ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो था वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल और ये प्रोग्रामेबल मशीन थी यानी पहले से इसके अंदर प्रोग्राम कर दिया जाता था उसकी बेस पे ये जो है वो अपना काम जो था वो सारा परफॉर्म करती थी बाकी जो पहले थे हमारे पास डिवाइस जितने भी आए वो मैनुअल थे साथ साथ उसकी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता था साथ ही वो उसकी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे लेकिन जैकॉर लूम्स के से

मशीन कुड कैलकुलेट द टेबल ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर्स के टेबल को भी जो था वो कर सकती थी चार्लस बाबी चार्ल्सो डिज़ाइन एंड ऑटोमेटिक मशीन यानी 1834 यानी 1822 से उसने जो है वो डिफरेंस इंजन पे काम शुरू किया और 1834 तक उसने जो था वो इस, इसको ऑटोमेटिक मशीन पे वर्कआउट करता रहा इट वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल दैट इज़ यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर इट वॉज मोर इंटेलिजेंट मशीन एंड आर फुली कंट्रोल बाई कम्प्यूटर प्रोग्राम यानी इस, इस, इस वक्त तक काफ़ी हद तक कम्प्यूटर जो था वो प्रोग्रामेबल मशीन जो था वो बन चुका था हाउएवर ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स नेक्स्ट है हमारे पास हॉलेरिथ डेस्क एन अमेरिकन साइंटिस्ट हरमन हॉलेरिथ डिवेलप्ड अ टेबुलेटिंग मशीन इन 1890 इज नोन एज हॉलेरिथ डेस्क इट वाज यूज्ड इन अमेरिकन यानी जो अमेर, अमेरिका में जो मर्दम शुमारी होती थी उसमें इस मशीन को जो था वो इस्तेमाल किया जाता था इसमें कार्ड रीडर था होल्स थे पंच कार्ड की मदद से काउंटिंग जो थी वो परफॉर्म की जाती थी इट आल्सो हैड द अबिलिटी टू काउंट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट यानी इसमें अब डिस्प्लेइंग फैसिलिटी भी आ गई थी जैसे कम्प्यूटर में हम डिस्प्ले फ़ैसिलिटी होती है उसी तरह सी द सलूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स वी स्टोर्ड ऑन दी कार्ड्स और स्टोरेज कैपेसिटी भी जो थी वो इस में हो गई हॉलिट स्टार्टेड अ कंपनी नोन एज टैबुलेटिंग मशीन कंपनी द कंपनी चेंज इट्स नेम टू द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन उसके बाद हमारे पास फर्स्ट मार्क वन कंप्यूटर आया हॉवर्ड एक्न Of Harvard University developed a computer known as Mark 1. It was made in 1944 with the help of IBM. It was the first automatic electromechanical computer. Yani is abdha computer जो हमारे पास अब शेप है उससे साइज में बहुत बड़ा था लेकिन ये है कि उस शेप में कंप्यूटर हमारे पास उस फॉर्म में जो है वो हमारे पास आ चुका था तो गुड मल्टीप्लाई टेन डिजिट्स इन फाइव सेकेंड्स अब दौड़ किस चीज़ की थी साइज़ छोटा हो जाए प्रोसेसिंग अच्छी हो जाए अब इस चीज़ की दौड़ थी पहले यह था कि हमारे पास एक ऑटोमेटिक मशीन आ जाए मारपन वो वेरी रिलायबल बट ह्यूज इन साइज साइज बहुत बड़ा था बट वेरी रिलायबल था नेक्स्ट अब हमारे पास उसी की आ, उसी चीज पे जो है वो वर्कआउट हुआ एन एक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल नुमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इट वॉज द फर्स्ट जर्नल पर्पस इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इट वॉज डिज़ाइन बाय जॉन विलियम मोचले एंड जॉन एक्रट इन 1946 इट वाज वेरी हैवी एंड लार्ज इन साइज साइज बहुत बड़ा था पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था लेकिन यह है कि पर, जो अडिशन् फाइव थाउजेंड अडिशंस पर सेकेंड जो था वो कैलकुलेशंस uh, परफॉर्म कर सकता था इट यूज़ डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम होता बेस टेन का निज़ाम तो उस वक्त जो था हमारे पास कंप्यूटर उस वक्त तक बाइनरी नहीं यूज़ करता था डेसिमल यूज करता था एडवेक एडवेक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इट वॉज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजाइन बाई जॉन मोस्टली एंड जॉन एक्रेट इट वॉज इट यूज बाइनरी सिस्टम फॉर कैलकुलेशन इंस्टाइड ऑफ डेसीमल सिस्टम डेसीमल सिस्टम की बजाय उसने बाइनरी सिस्टम को जो है वो यूज़ करना शुरू किया यूनिवेक यूनिवेक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक्रेट एंड मोस्टली वर्क फॉर्म एक्कर मोसले कम्प्यूटर कॉर्पोशन इन नाइनटीन फोर्टी सेवन टू मैनुफेक्चर कंप्यूटर्स कमर्शली दे मैन्यूफेक्चर द फर्स्ट सक्सेसफुल कम्प्यूटर यूनिवर्क इट वॉज द फ़र्स्ट कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज़ यानी अब तजारती सतह पर यूज़ के लिए पहला कंप्यूटर जो है वो बनाया गया और ये नाइनटीन फिफ्टी वन में जो था वो यूएस ब्यूरो ऑफ सेंसिस में यूज़ किया गया इट वॉज मैन्युफैक्चर बॉल फॉर साइंटिफिक एंड कमर्शल एप्लीकेशन यानी साइंटिफिक में भी हो गया और कमर्शल में भी हो गया नेक्स्ट है हमारे पास आई बी एम सिक्स फिफ्टी सिक्स फिफ्टी आई बी एम सिक्स फिफ्टी वॉज एन अर्ली कंप्यूटर डिवेल्प बाई आई बी एम इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव इट वॉज डिज़ाइन टू यूज़ मैगनेटिक ड्राम्स इट कैन रीड डेटा फ्राम पटकार मैगनेटिकट कुड ऑटोमेटिकली री स्टार्ट द प्रोग्राम एट अ स्पेसिफिक यानी अगर किसी किस्म का कोई एरर अकड़ हो जाता था तो उसको जो था वो उसको सॉल्व आउट भी जो था वो कर सकता था आई बी एम मॉडल सिक्स फिफ्टी फर्स्ट वाइडली यूज कंप्यूटर नेक्स्ट है हमारे पास एप्पल इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर बाय एप्पल कंपनी इट वॉज वेरी स्मॉल एंड यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर, और एप्पल सेकेंड फिर फर्स्ट कंप्यूटर कलर डिस्प्ले आ गया पॉपुलर कंप्यूटर्स हो गया उस टाइम के थैंक यू